हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि काफी हद तक लोगों का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, और जो डेबिट पेमेंट है उसे होल्ड कर दिया जा रहा है। कोई भी पैसा अकाउंट से डेबिट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग साइड में देख सकते हैं, हमारे पास काफी सारे ईमेल आए हैं। हम इस वीडियो में आपको कुछ सावधानियां बताने वाले हैं, कुछ न्यू फ्रॉड आए हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अगर आपके संग ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा उसका मैं 100% उपाय बताऊं कैसे आपको अनफ्रीज अनब्लॉक करना है। तो आप इस वीडियो को स्किप न करके पूरा शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना और लाइक करके मेरा सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अभी जो है काफी टाइम से एक न्यू फ्रॉड चल रहा है और ये फ्रॉड काफी हद तक हो रहा है और आपके साथ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे एक्सिस बैंक में हो, चाहे आईसीआईसी बैंक में हो, चाहे एचडीएफसी, चाहे कोटक, चाहे आरबीएल, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक, चाहे एसबीआई बैंक, तो ये सभी बैंकों में एक न्यू फ्रॉड आ गया है। बैंक वाले नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग विस्तार से पूरी चीजों को समझिए, फिर मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताऊं कैसे आपको इसे करना है। दोस्तों, क्या है कि कुछ टाइम से ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी के संग, किसी भी वेबसाइट के संग, जैसे कोई गेम की वेबसाइट है, गेम खेल के कुछ पैसे जीत रहे हैं और उस पैसे को बैंक में ले रहे हैं। आपको पता है कि पैसों का गलत इस्तेमाल करना एक कानून अपराध है, तो इस बिहाव पे कुछ लोग अपना चोरी छिपके गलत काम करके पैसा अकाउंट में ले रहे हैं। कभी कभी अमेज़न का वाउचर फ्रॉड करके अकाउंट में अपने परचेस करके मंगवा ले रहे हैं। दोस्तों, अब ये सारी गलतियां कोई और कर रहा है। अब यहां पे आपका अकाउंट किस वजह से फ्रॉड हो रहा है, किस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है, रीजन ये है कि आप किसी से पैसा ले रहे हैं। जैसे आपने किसी को 1 लाख, 1.5 लाख या 50,000, या आप किसी से पेमेंट ही रिसीव कर रहे हैं। अब सामने वाले बंदे ने कोई फ्रॉड किया है किसी के साथ, अब उसके अकाउंट से पैसा आपने रिसीव किया और उसने जिसके संग फ्रॉड किया है उसने साइबर क्राइम और सीबीआई में रिपोर्ट किया और उसका तो अकाउंट ब्लॉक हुआ, साथ आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो गया। रीजन ये है कि उसका पेमेंट वो जहां जहां करेगा उन लोगों का भी उसके संग ज्वाइन करके अकाउंट को कुछ टाइम के लिए होल्ड और ब्लॉक कर दिया जाएगा। रीजन ये है कि उस पर जब सीबीआई जांच करती है या साइबर क्राइम उसको रिपोर्ट जाता है तो इसको चेक करते हैं कि ये पैसा कहाँ भेज रहा है। दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि काफी हद तक मेरे पास मेल आए कि मेरे 30 लाख थे, मेरे 10 लाख थे, मेरे 50 लाख थे, ऐसे ऐसे करके दोस्तों अकाउंट थे लोगों का, और रीजन ये था जेन्युइन अमाउंट उन लोगों का था। और एक ही प्रॉब्लम है कि मैंने पैसा रिसीव किया, एक लोगों ने बोला भाई हमसे पैसा ले लो और अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकाल के दे दो, और मैंने पैसा निकाल के एटीएम से दिया, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, मैं पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं। तो ये सब हो क्यों रहा है? दोस्तों, आप लोगों को किसी को भी, चाहे आप कितना खास क्यों ना हो, किसी को जैसे कोई आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा है कि आप मुझे एटीएम से कैश विड्रॉल के दे दो, तो आप कभी भी ये गलती ना करें। जो आप कैश विड्रॉल करते हैं वो आपके पैन कार्ड में काउंटिंग किया जाए कि आपने वो पैसा निकाला है तो आपके पैन कार्ड में वो काउंटिंग किया जाएगा, जो कि इनकम टैक्स के पूरा निगाहों में आ सकता है। तो किसी को पैसा आप जो है किसी के अकाउंट से पैसा लेके आप उसे पैसा निकाल के ना दें। यहां भी दोस्तों एक फ्रॉड आ गया और आ चुका है। अगर किसी पर्सन को आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है, तो आप उससे पैसा रिसीव ना करें। अगर आप पैसा रिसीव करते हैं, उसने कोई गलत काम किया, तो आपका अकाउंट फ्रीज ब्लॉक होल्ड हो सकता है। ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। अब यहां पे सवाल आ चुका कि अगर आपके संग ऐसा हो चुका है तो क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अगर जाना है पहले बैंक में पता करना है तो बैंक वाले आपको बोलेंगे कि आपके ऊपर सीबीआई जांच हो रहा है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, सारी चीजें आपको बैंक वाले बताएंगे, तो आप यहां पुलिस आएगी ऐसा बोला जाएगा। तो आपको डरना नहीं है,
काफी लोग डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, यहां वहां यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं कि मेरे संग ऐसा हो गया है, समाधान बताओ, मिलता है नहीं। काफी लोग वकील पकड़ के पैसा खिला देते हैं, कुछ वकील भी ऐसे हैं पैसे खा जाते हैं और करते काम भी नहीं है, कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं। अब दोस्तों यहां पे करना क्या आपको है कि आपको पहले डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर गलत काम नहीं किए हो तो आपको नहीं डरना है, 100% आपका समाधान होगा। अगर बैंक ने आपको बोल दिया है कि आपका जांच होगा तो आपको बेफिचक रहना है। आपके पास कोई भी कॉलिंग आता है, आपसे अगर बोला जाता है तो आप उनसे नॉर्मल तरीके से बात कीजिएगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, सारे अकाउंट का डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको बतानी है। आपने गलत काम नहीं किया है तो किससे पैसा लिया है और जिसे पैसा आप ले रहे हो उसका नाम, उसका सारा डिटेल्स अपने पास जरूर रखना। अगर बड़ा अमाउंट आप ले रहे हो चाहे छोटा अमाउंट, लड़की ए अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो, कोई डिटेल्स अगर आप नहीं उसका लेते हो तो आप गलती खुद करते हो। एक भाई ने मुर्गी फार्म खोला था और उसने 8 लाख रुपए का मुर्गी बेच दिया। अब बेचने के बाद उसने जिससे पैसा रिसीव किया उसका नाम पता वो पूछा नहीं, नंबर भी नहीं पूछा, अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। वो परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने गलती किया। आप किसी से इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हो, उसके बारे में कोई ना कोई डिटेल्स आपके पास रहना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट अलग अलग बैंक में है तो सारे पैसा आप एक ही अकाउंट में अचानक ना ट्रांसफर कर लें, इस वजह से भी आपका अकाउंट ब्लॉक फ्रीज हो सकता है। बैंक को शक होगा कितना पैसा अचानक कहां से आ गया, उनका सिस्टम ही आपके अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कर देगा। अब यहां पे समाधान के बारे में जान लो, तो अभी मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया। अगर आपके साथ हो चुका है तो बैंक में बैंक आपको जो बोलता है उसको सुन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले अगर बैंक बोलता है कि क्राइम ब्रांच से आपका जांच हो रहा है, वहां से मेल आया था, आपकी जो प्रॉब्लम है वहां से जो है पूरा मेल के साथ आपके अकाउंट को फ्रीज ब्लॉक किया गया है, तो आपको ईमेल करना है क्राइम ब्रांच को, जो कि आप किस सिटी से हो, अगर आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, किस राज्य से हो, जिस राज्य से अगर आप हो, अगर आपको मेल आईडी नहीं मिलता है तो आप मुझे ईमेल करना मेरे ईमेल आईडी पर, मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लेके हमें ईमेल करना, मैं वो ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, उस पर आपको सारी बातें लिख के आपको ईमेल कर देना है। कॉलिंग वैसे जल्दी लगता नहीं है। अगर आपको बैंक ये बोलता है कि आपके ऊपर पुलिस केस हुआ है तो इसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस केस आप पे नहीं होता है, जिसने फ्रॉड किया उसके ऊपर होता है, आप उससे जुड़े हो कि आपने उसे पैसा रिसीव किया है तो उसमें आपका नाम शामिल रहता है, वो चेक हुक करने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक जो है अनलॉक कर दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको बैंक बोलता है कि सीबीआई जांच हो रही है तो आपको सीबीआई को भी ईमेल कर देना है, किस राज्य से हो, मेल आईडी आपको चाहिए तो मुझे आप जरूर ईमेल करना, मैं आपको दे दूंगा। अब आपको लास्ट ऑप्शन, अगर आप ये सब करके देख लियो तो लास्ट ऑप्शन है आरबीआई। आप किस राज्य से हो, देखो आरबीआई का भी अलग अलग कुछ ईमेल आईडी है, अलग कुछ पॉलिसी रूल्स है, तो आप जिस राज्य से हो आपको उसी राज्य का मेल आईडी मेल करना है, आपका समाधान होगा। पूरा डिटेल्स लिख के, यूटीआर नंबर, आपका ट्रांजेक्शन आईडी कितना अमाउंट था, नेम क्या था, तो सब कुछ आपको कर देना है इस तरीके से मेल। बट दोस्तों आपका जो अकाउंट है, अगर आप ये सब नहीं करते हो तब भी आपका अकाउंट 3 मंथ के अंदर अंदर आपके अकाउंट को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाएगा। ये रूल्स होते हैं क्योंकि ये चेक होती है, गाइडलाइंस होती है, कोई अगर फ्रॉड किया है, और ये जो बैंक करती है, सीबीआई करती है, ये हम लोग के भलाई के लिए करती है, क्योंकि कोई अगर आज फ्रॉड किया है उसको नहीं पकड़ा जाएगा तो कैसे होगा, क्योंकि जरूरी होता है इन चीजों को लेकर। तो कभी आप अगर गलत नहीं किए हो, किसी के साथ अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है तो आपको डरना 1% भी नहीं है। अगर आप गलत काम किए हो तो फिर आपकी गलती है, जो भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी वो आपको झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बचना है और इस तरीके से आपको कंप्लेन करना है, बट कभी आपको डर के नहीं रहना है, क्योंकि पैसा आपका है और आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो डरना किस बात का, क्योंकि आपका जो पैसा है आपके अकाउंट से कोई पैसा बैंक नहीं ले सकता। अगर आपके अकाउंट में कोई फालतू अमाउंट आया है, कोई रॉन्ग अमाउंट आया है जो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाए।
जाएगा, जो पैसा आपका जनुअन है वो पैसा आपका रहेगा, कि ये बैंक और आरबीआई की पॉलिसी है, कोई पैसा विदाउट आपके मर्जी से एक रुपए गायब नहीं हो सकते हैं। अगर वो पैसे निकलते हैं तो आपको ईमेल और मैसेज किया जाएगा, नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ये रूल्स हैं, ये रूल्स मुझे अच्छे लगे, बट याद रखना कभी भी आप किसी से ऐसे पर्सन से पैसे रिसीव ना करें। अगर आपका अकाउंट आपका मेन अकाउंट है उसमें पैसा आप अधिक रखते हैं तो उसमें आप कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन कोई ऐसा अमाउंट का लेन देन ना करें, क्योंकि उसी की वजह से आपका अकाउंट में दिक्कत आती है, क्योंकि बड़ा अमाउंट भी है और दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप ये सारी गलतियां ना करें, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों किसी का इस तरह का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ करके हार चुका है, समाधान नहीं हो रहा है, तो वो मुझे मेल करे, पूरा रास्ता मैं उसे कॉल पे बात करके समझाऊंगा, बताऊंगा, पूरी उसकी हेल्प करूंगा और 100% आपका समाधान निकालूंगा। बट याद रखना आपको डरना नहीं है, आपका एक रुपए का कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, ना बैंक ना कोई भी, क्योंकि आप अगर सही हैं तो सच के साथ खड़े रहिएगा, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये बातें याद रखना। बट जो पॉइंट बताया हूं उसे नोट करना, वीडियो लंबा हो गया है इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है। तो प्लीज अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशन सही लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।